ताहिरी बनाने के लिए ऑयल गरम कर उसमें डाला है दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ते, 4-5 काले मिर्च, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। जब ज़ीरा पॉपअप होने लगेगा तब हम इसके अंदर स्लाइस किए हुए अनियन ऐड कर लेंगे और उन्हें हमें सॉटे कर लेना है। ध्यान रहे अनियन को हम चलाते हुए सॉटे करेंगे ताकि ये सभी साइड से इक्वली फ्राई हो और ये जले नहीं। अनियन को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसे ट्रांसलूसेंट करना है। प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो गई है तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए, साथ में जाएगा लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसे मसाले के साथ मिलाएंगे और इसे भून लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाएं, और इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता है। ऑयल इससे सेपरेट हो गया है तो अब मैं यहाँ पर कटे हुए आलू ऐड कर दूँगी। हमारा जो मसाला है वो जितना अच्छे से भुनेगा उतनी ही हमारी जो सब्ज़ी है या कोई भी चीज़ है, जितना अच्छा मसाला भुनता है उतनी ही टेस्टी बनती है, तो इसलिए हमें इसका मसाला अच्छी तरीके से भून लेना है। हम इसे चलाते रहेंगे और 2 से 3 मिनट आलू डालकर इसे भून लेंगे। ये अच्छी तरीके से भुन गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर बासमती राइस 1 कप भिगो के रखे थे लगभग 1 घंटे पहले, तो मैं वो यहाँ पर इसके अंदर डाल दूंगी और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिला लूँगी। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, तो मैंने ये 1 कप राइस लिए थे तो मैं यहाँ पर लगभग 1.5 कप पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये कुकर में बन रहे हैं इसलिए 1.5 कप पानी। और अगर ये किसी खुले हुए बर्तन में या भगोने में बनाएंगे आप तो आप इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे। फिर हम इसके अंदर बॉईल आने देंगे और जब बॉईल आएगी उस टाइम नमक टेस्ट कर लेंगे, और नमक कम होगा तो नमक और ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसकी लिड जब लगाएंगे जब इसके अंदर एक बॉईल आ जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो चावल इक्वली येलो नहीं होंगे। इसके अंदर बॉईल आ गया है, हम इसे एक बार चलाएंगे और उसके बाद लगा देंगे कुकर की लिड और इसमें आने देंगे 2 विसल। 2 विसल आने के बाद हम इसकी लिड खोलेंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारी ताहिरी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हम चावल को अच्छे से मिला देंगे। आप देख सकते हैं हमारे कितने खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। चावल को डिश आउट कर लेंगे और गर्मा गर्म हम इसे देसी घी, दही, सलाद और चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।